तो है गाइस, गुड इवनिंग। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:30 बज रहे हैं, 7:30 नहीं 7:45 हो रहा है भाई। और भाई मैंने रैपिडो खोला है, अभी मैं देख रहा हूँ कि भाई एक आधी कोई बढ़िया सी राइड बच जाए। और वैसे मैं छुट्टी पर ही था, कल भी था और परसों भी छुट्टी पर था, मैं जा रखा था कहीं घूमने, उसकी मैंने वीडियो डाली है। अगर नहीं देखी आपने वाली वीडियो तो भाई उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं वो चेक कर लेना। बाकी भाई मैं घर में बोर हो रहा था पड़े पड़े, क्योंकि सुबह तो मेरे को थकान हो रही थी और नींद पूरी नहीं हुई थी सुबह, तो इस वजह से मैं आया नहीं ड्यूटी। अभी शाम को बोरियत आ रही थी, मैंने बोला चलो एक आधी राइड मार लेते हैं। बाकी अभी एक राइड बजी थी मेरे पे प्रेमनगर की, भयंकर उसकी लोकेशन पे पहुंचा मैं रिस्पना पुल और कैंसिल कर दी उसने। ऐसे ऐसे तो नमूने हैं भाई कस्टमर। तो भाई वही है, एक दो घंटा एक डेढ़ घंटा करके देखते हैं, क्या पता कुछ 100-150 रुपये बन ही जाए, है ना। ये देखो बज भी गई शास्त्री नगर, 70+12 रुपये की राइड है भाई ये। अबे ये तो पीछे से ही उठाना है अबे यार, ये तो पीछे से ही उठाना है, बगल से ही कहीं से कॉल भी आ गया उसका, रुको जरा। हेलो, हाँ जी भैया, भैया मैं यामा के शोरूम के पास हूँ, ये ढलान पे ना जोगी वाला। फोन पे गूगल पे, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा हाँ लिखो नंबर 7 7 9। हाँ जी ठीक है भैया, करो करो, कॉल पे ही हूँ मैं, करो आप। हाँ कॉल पे ही हूँ मैं, करो आप। भैया ये फ्रॉड है, ठीक है। एक मिनट एक मिनट, तुम भाई तुम रैपिडो बुक करके फ्रॉड कर रहे हो। हाँ नहीं, अमाउंट का एसएमएस नहीं आया। नहीं अमाउंट का एसएमएस आया, पर ये तो मेरे अकाउंट में थोड़ा आया पैसा, क्योंकि यही फ्रॉड अभी तुमने आधे घंटे पहले एक बंदे के साथ किया था ना। हाँ एक मिनट में चेक करता हूँ, रुको। भाई देख रहे हो ये यही राइड ना अभी थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त के पास आई थी यही राइड। भाई ये इस बंदे का नंबर है राहुल शर्मा, और ये देखो स्पैम रिपोर्ट, मतलब स्पैम कॉल है, फर्जी नंबर है। और इस बंदे ने रैपिडो बुक करके पता क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि भैया मैं आपको 3,000 रुपये कर रहा हूँ, आप किसी मैडम को उठाना है, आप 300 रुपये रख लेना और 3,000 रुपये उसको दे देना। ऐसे यही कॉल यही राइड अभी मेरे दोस्त के पास आई थी, सेम राइड। भयंकर ऐसे ऐसे कॉल भी आ रहे भाई, ऐसे ऐसे रैपिडो के वो भी आ रहे, दो राइड कैंसिल हो गई मेरी, और मेरी देखो मतलब राइड एक कस्टमर कैंसिल कर रहा है और मेरा वो ख़त्म हो रहा है परफॉर्मेंस। भैंस की टांग, अभी देखो इसका ना नंबर नहीं लगने का, यही है क्या, ट्रू कॉलर पर चेक करता हूँ, ये है ना इसका कॉल नहीं लगने का, लेट मी चेक, उठा नहीं रहा कॉल। ये देखो इसको 5 बंदों ने वो भी किया है कमेंट, इट्स फ्रॉड यस ब्रदर, इट्स फ्रॉड फ्रॉड कस्टमर, भाई फ्रॉड कस्टमर है ये पैंस की टांग। देखो 6 बंदों ने, देख रहे हो 6 बंदों ने इसके ऊपर कमेंट भी कर रखा है कि ये फ्रॉड कस्टमर है, कमेंट तो मतलब दिखते नहीं है। ये आगे देखो, इट्स फ्रॉड प्लीज डोंट पिक अप, कैन नॉट शेयर विद OTP एंड अमाउंट टू दिस नंबर। हटानी है क्या, अबे भाई देख रहे हो गाइज, अगर भाई इस टाइप का कोई हुआ है ना आपके पास, कोई ऐसा बोले आपको कि हाँ भाई मैं किसी मैडम को पिकअप करना है और मैं आपको पैसे सेंड कर देता हूँ, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है, ठीक है। और ये देखो कितने बंदों ने कमेंट कर रखा, डोंट लिफ्ट दिस कॉल, दिस गाइज बेस्ट स्कैम पर्सन इन हैदराबाद,
डोंट लिव टू दिस पर्सन। भाई ये हो रहा है भाई, एक दिन नहीं हुआ है, बहुत दिन से हो रहा है। ये देखो 17 जून 8 मई 22 जून भाई जून मई जून से हो रहा है फ्रॉड। इसका नंबर अभी तक वो नहीं हुआ ब्लैक लिस्ट। रैपिडो वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं एंकर। तो चलो कोई नहीं, कोई बढ़िया सी राइड का वेट करते हैं भाई। पर इससे थोड़ा सतर्क रहना, अगर आप लोग रैपिडो चला रहे हो और आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड कस्टमर बोले कि भैया जब तक अपना गूगल पे चेक ना कर लो ना आप कि हाँ भाई मेरे पैसे अकाउंट में नहीं आए हैं, तब तक भाई मतलब ही नहीं बनता उसको OTP वगैरह शेयर करने का। पैस की टांग। लो जी गाइस, भाई अभी तक तो कोई ना राइड बजी है ना कोई ऑर्डर बजा है भाई मेरे पास। मैं आ रखा हूँ इस टाइम पे घंटा घर पे खड़ा हूँ भाई मैं। और भाई देखो 0 रुपये की अर्निंग हो रखी है मेरी रैपिडो में अभी। क्या लगता है बजेगा ऑर्डर मेरे पास? पता नहीं भयंकर कब तक है। बजा। राजपुर रोड से पिकअप करना है लॉर्ड कृष्णा ग्रीन केदारपुर। पिकअप कहाँ से करना है यार? ये बगल से ही दिखा रहा कहीं भाई। 64+15 रुपये का ऑर्डर, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुमार वेजिटेरियन, चलो नॉट बैड, सही है। एक ऑर्डर तो बजा कम से कम। चलो भाई फटाफट पिकअप मारते हैं इसको कुमार वेजिटेरियन से, लेट्स गो। चलो जी भाई, ऑर्डर तो मेरा रेडी हो चुका है। कुमार वेजिटेरियन से मेरा ऑर्डर है। कुमार वेजिटेरियन ही है ना अंकल? ऑर्डर है एक। अंदर जाओ। सामने हैंडल के चक्कर में सर ऑर्डर हो गया एक। 8734 बटर नान हांडी पनीर। ओके ठीक है। दो भाई ऑर्डर तो मैंने पिकअप कर लिया है, फोटो खींच के उसे पिकअप कर देते हैं। बाकी वो देख रहे कैमरा। भाई इसको लेके जाना है लॉर्ड कृष्णा अपार्टमेंट। लॉर्ड कृष्णा मतलब लेके जाना है 7.4 किलोमीटर। चलो मैं तो एक ही ऑर्डर मारने आया था कि भाई एक शॉर्ट वीडियो का काम हो जाएगा, बाकी लॉन्ग वीडियो का काम भी हो ही गया हमारा, है ना। सही है, चलते हैं फटाफट, छोड़ के सीधा घर ही निकल जाऊंगा मैं। एक ही ऑर्डर मारने आया था वैसे ही, मैं बोर हो रहा था खाली। हेलो जी गाइस, भाई लोकेशन पे तो पहुंच गया हूँ मैं, लॉर्ड कृष्णा ग्रीन यही है ना, एक बार देख लेता हूँ। हाँ यही वाला है भाई, ठीक है भाई। चलो भाई एंट्री कराते हैं फटाफट, डिलीवर मारते हैं इसको। ये हेलमेट उतरवा देंगे यार। ये ऑर्डर है एक स्विगी से। नंबर हो तुम? ये है भैया A710। हेलमेट निकाल देना, हेलमेट मार देना सामने। ठीक है सामने जाने का, लड़ी लगी। तो लो जी गाइस, ऑर्डर तो मैंने मार दिया डिलीवर। भाई इसके बताऊंगा मैं आपको कितने रुपए मिलते, पहले सीधा नीचे चलते हैं फटाफट, ठीक है। क्या चढ़ रहा मेरे हाथ में? इसको सीधा नीचे डिलीवर मारूंगा, ठीक है। तो लो जी भाई, ऑर्डर तो मैंने दे दिया है, बाकी यहाँ से डिलीवर मार देते हैं अब, ठीक है। देखते हैं कितने रुपये मिलते हैं इस ऑर्डर के मेरे को। भाई 86 रुपये मिले हैं इस ऑर्डर के, बजा था ये कुछ 70-75 के आसपास, और लेके कितना आया मैं 7.8 किलोमीटर लेके आया ना इसको मैं। तो चलो बढ़िया है भाई, 86 रुपये मिल गए। बाकी भाई यहाँ से मैं गो टू होम लगा देता हूँ घर की साइड का। भाई अभी चलते हैं सीधा घर। वैसे मैं एक आधा ही ऑर्डर मारने आया था यार, मैंने सोचा था कि एक आधा ऑर्डर मार के एक शॉर्ट वीडियो बन जाएगी। शॉर्ट वीडियो के लिए मेरे पे वीडियोस नहीं थी, तो उस वजह से मैं आ गया, मैंने बोला एक आधा ऑर्डर मार दूंगा। बाकी एक ऑर्डर तो मेरे पे बजा, और पहले भी वो एक ऑर्डर बजा था, पर उसने मेरी लॉन्ग वीडियो भी बनाई दी। बताओ कैसे? क्योंकि वो था फ्रॉड कस्टमर, तो उससे थोड़ी सी मेरे को कॉन्टेंट मिल गया, और आप लोगों को समझाने के लिए भी मिल गया कि भाई अगर ऐसा कोई कॉल आए आपके पास या कोई ऐसी राइड बसती है जो बोलता है कि भैया
मैं आपको पैसे सेंड कर रहा हूँ, आप उन मैडम को दे देना, ठीक है? तो भाई ऐसा मत करना, वो आपसे OTP वगैरह लेके, आपका नंबर वगैरह लेके पता है क्या करेंगे, वो आपका अकाउंट खाली करवा देंगे भाई। बेकार कस्टमर है वो, ठीक है? तो मत करवाना भाई उनसे। बाकी मैंने गलती क्या करी कि मैंने उसको नंबर दिया अपना, मेरे को पता था कि भाई ये फ्रॉड कस्टमर है, मैंने फिर भी उसको नंबर दिया अपना, नंबर नहीं देना चाहिए था। वैसे तो नंबर तो मिल ही जाता है रैपिडो में, रैपिडो के ऐप से, पर रैपिडो वालों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि भाई कि फ्रॉड हो रहा है अपने राइडरों के साथ, तो भाई उसको एक बार सोचना चाहिए रैपिडो वालों को। बाकी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, रैपिडो टीम तक पहुँचाना ये वीडियो, ताकि उनको लगे, ताकि उनको भी तो पता चले रैपिडो टीम को कि भाई ऐसा भी फ्रॉड हो रहा है अपने राइडरों के साथ। उससे क्या है ना भाई, राइडर ही फंसता है हर जगह यार। अभी ऐसी एक सीन हुआ था मेरे दोस्त के साथ, उसको पुलिस वालों ने, अबे कहाँ ला रहा है इसे, ऐसे ऐसे वो है भाई। ऐसी पर्सन अरसे मेरे दोस्त के साथ ऐसी सीन हुआ था, पता नहीं किसी लड़की का नंबर वायरल हो गया होगा, नाम उसका आ गया, क्योंकि एक ही लड़की को दो बंदों ने डिलीवर किया था, ड्रॉप किया था। एक बंदे ने आज किया था, एक बंदे ने परसों किया था, ऐसे किया था उसे ड्रॉप। तो भाई जो परसों वाला बंदा था उसने उस लड़की का नंबर वायरल कर दिया। बाकी वो जो बाद वाला लड़का था, वो मेरा दोस्त था, उसको पुलिस वालों ने भाई बुलाया थाने वगैरह कि भाई आपने लड़की का नंबर वायरल कैसे कर दिया, ये वो पता नहीं क्या सिस्टम हुआ, मेरे को पता नहीं चला उसके बारे में ढंग से। बाकी पूछूंगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो भाई इन चीज़ों से ना थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि भाई देखो पैसा ही कमाना सब कुछ नहीं होता, थोड़ी इज्जत भी होती है अपनी, है ना? अगर वो चली जाती है तो भाई बंदा भाई डिप्रेशन में पहुँच जाता है। तो ऐसे फ्रॉड वगैरह से बच के रहना आप लोग, ठीक है? बाकी काम करो, बेफिक्र हो के, काम में कोई वो नहीं है गलती वगैरह। भाई मन कर रहा है ऑर्डर उठाओ, नहीं कर रहा है वो कर दो, कैंसिल कर दो, कोई इसमें वो नहीं है भाई ज़बरदस्ती की, हाँ भाई ऑर्डर ले जाना ही ले जाना है, कैंसिल मार दो सीधा, ठीक है? बाकी भाई यही मेरा एक वो था बताने का। वैसे मैं कोई वीडियो बनाने आया नहीं था आज, मैंने तो सोचा था एक आधा ऑर्डर मार दूंगा, क्योंकि मेरा कैमरा मेरे हेलमेट में हमेशा लगा रहता है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया ऐसी वीडियो। मैंने बोला चलो कुछ कंटेंट मिल जाएगा तो बना लेंगे, बाकी नहीं डालेंगे। तो भाई कंटेंट मिल गया, बाकी वीडियो डाल देंगे अपन। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं बाकी कल सुबह। और भाई मैं हनोल गया था, उसकी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो भाई उसका लिंक मैं डाल दूंगा चैनल के, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बाकी आप लोग चेक कर लेना। बाकी गाइस गुड नाइट, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।